नमस्कार, जैसे सुबह मैंने वीडियो बनाया था कि सभी लोगों के पोस्टिंग ऑर्डर आ चुके हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, केवल आपको ये बता दिया गया कि आपका किस स्कूल में चयन हुआ है, यानी आपको कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है। फिर इन्होंने अभी एक नोटिफिकेशन भी डाल दिया, आप लोग साइट पर देख सकते हो, लिंक भी दे दी है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे क्या है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड द EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2023 ऑन द 16, 17, 23, 24 December 2023 टू फिल अप द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन EMRS अक्रॉस द स्टेट्स। द रिजल्ट फॉर द सेट पोस्ट एक्सेप्ट प्रिंसिपल एंड JSA वर पब्लिश्ड ऑन 22/1/2024। कैंडिडेट्स कैन नाउ डाउनलोड देयर अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर अलॉन्ग विद पोस्टिंग थ्रू दिस URL। ये इन्होंने दे दिया है कि इस पर आप लोग लॉग इन करके अपना पोस्टिंग ऑर्डर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NESTS फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि मैंने बहुत पहले बता दिया था कि आपके पोस्टिंग ऑर्डर जून में आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग है वो 15 जून के बाद ही होगी और संभवतः हो सकता है जुलाई में हो, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब हम होप ये कर सकते हैं कि शायद 15 जून के बाद से आपकी ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाए। और ध्यान रखिएगा, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कब आपको ज्वाइन करना चाहिए जिससे सैलरी इंक्रीमेंट मिले। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है जून में ही, डेट मतलब अगर मान लो जून में ही ये बता देते कि इस तारीख से इस तारीख तक आप ज्वाइन कर लें, तो कोशिश करिए कि जून में ही ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने पिछले भी वीडियो में यही बताया था कि अगर ज्वाइनिंग आती है इधर डेट, तो जून में ही ज्वाइन करिए, जुलाई में मत जाइएगा। अगर जुलाई में गए तो आप 6 महीने लेट हो जाएंगे, आपका एक इंक्रीमेंट 6 महीने लेट होगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। बाकी इंक्रीमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। बस ये जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि वेबसाइट पे कुछ नहीं दिया, कोई लिंक नहीं दिया, तो वेबसाइट पे इन्होंने अपडेट कर दिया है। बाकी जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है, आपकी पुरानी जो लिंक होगी, जैसे ही आपने प्रोविजनल लेटर डाउनलोड किया होगा वैसे ही इसको डाउनलोड करना है। अगर प्रोविजनल लेटर वाले लिंक आपके पास हो तो उससे भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये नई लिंक है, इससे भी कर सकते हैं आप। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैं अभी बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, पूछ रहे नहीं हो रहा। मैं इत्मीनान से शाम को आपको बताऊंगा जिसके में भी कोई दिक्कत आ रही है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या नहीं, आगे क्या करना। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर अब हमें आगे अटेस्टेशन फॉर्म या दुनिया भर का वो मेडिकल है ये वो कैसे करना है। हालांकि जब झारखंड वालों की इस तरीके के ऑर्डर आए थे पोस्टिंग वाले, तब मैंने वीडियो बनाए थे कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, पुलिस वेरिफिकेशन आपको नहीं कराना है, वो डिपार्टमेंट कराएगा। फिर भी मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। और पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को कि इसमें क्या करना होता है। हालाँकि आपको करना कुछ नहीं, करना डिपार्टमेंट को है, लेकिन फिर भी आपको करना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको करना है, वो मैं आपको तरीका बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।